हेलो गाइस, माय यूट्यूब चैनल मेडिको अड्डा पर आपका स्वागत है। आज मैं नीट यूजी 2020 एस्पिरेंट के लिए गुड न्यूज़ लेके आया हूँ कि मॉपअप राउंड जो है उसकी ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स है वो रिलीज होगी। उसको आप एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड जो मॉपअप राउंड है उसमें टोटल सीट 3,475 जो सीट है वह वैकेंट रही है। आईपीयू, दिल्ली स्टेट, ईएसआई, मतलब ऑल अदर्स जितने भी कोटे हैं उनमें कौन कौन से कोटे में कितनी सीट वैकेंट है, कौन सी कॉलेज में कितनी सीट वैकेंट है, इसके बारे में इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि अगर आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो चॉइस फिलिंग अगर अच्छे से करोगे तो आपको कम नंबर पर भी कॉलेज मिलने का चांसेस है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना और एंड तक वीडियो को देखना। क्योंकि आप चॉइस फिलिंग करोगे तब ये ध्यान रखना कि कौन सी कॉलेज में कितनी सीट वैकेंट है। तो गाइस, वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। एमसीसी ने यानी कि मॉपअप राउंड के लिए जो सीट मैट्रिक्स है वो मतलब रिलीज कर दिए। तो देखते हैं सीट मैट्रिक्स में कौन कौन सी कॉलेज है और कितनी सीटें वैकेंट रहेगी। तो गाइस, वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो यूजी मेडिकल, यहाँ से एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी यहाँ से यूजी मेडिकल काउंसलिंग पर क्लिक करना और यहाँ से देख सकते हो आप सीट मैट्रिक्स फॉर मॉपअप राउंड एमबीबीएस एंड बीडीएस यूजी 2020। ओके गाइस, इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना। ये मैंने डाउनलोड कर रखी है, ओपन हो रही है। ओके गाइस, वेट करो, ओपन हो गई। यहाँ से देख सकते हो ये सीट मैट्रिक्स फॉर मॉपअप राउंड यानी कि एमबीबीएस या बीडीएस यूजी 2020। तो देख सकते हैं यहाँ से, ये देख सकते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू इंटरनल, इसमें डॉक्टर जे ए डी सी एफ एस सी ऑफ मेडिसिन अलीगढ़। इसमें बीडीएस के लिए जनरल कैटेगरी में 2 सीट खाली है एंड एम इंटरनल इसी कॉलेज में यानी कि बीडीएस जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए 1 सीट खाली है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एम इंटरनल जवाहरलाल नेहरू एम सी एम अलीगढ़, इसमें एमबीबीएस के लिए जनरल पीडब्ल्यूडी 1 सीट खाली है। इसी प्रकार नीचे देख सकते हो यहाँ पर बीडीएस जनरल कैटेगरी के लिए 2 सीट खाली है। वडोदरा जो है वहाँ पर भी बीडीएस जनरल कैटेगरी के लिए 21 सीट खाली है एंड विद्यापीठ, इसमें एमबीबीएस जनरल कैटेगरी के लिए यानी कि 1 सीट खाली है। ओके, एमबीबीएस में ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। और कोटा है जैन माइनॉरिटी, और नीचे ये देख सकते हो आप, यहाँ नीचे यहाँ देख सकते हो या पूरी की पूरी डीम्ड यूनिवर्सिटी और कोटा है मैनेजमेंट एंड पेड सीट। ओके, यहाँ से केवल बीडीएस के लिए जनरल कैटेगरी में 22 सीट खाली है। यहाँ पर यहाँ 2 सीट खाली है, 4 सीट खाली है यहाँ से, यहाँ पर 8 सीट खाली है, यहाँ से 59 सीट खाली है, 61 यहाँ 23 सीट खाली है। तो ये देख सकते हो पूरी बीडीएस के लिए यानी कि सीट खाली है। ये पूरी कॉलेज यानी कि डीम्ड यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर जो कोटा है वो मैनेजमेंट कोटा एंड पेड सीट है। तो यहाँ से देख सकते हो कितनी कितनी सी, 68, 25, 52, 37, 43, 25, 54, तो ये इतनी सीट खाली है यहाँ से देख सकते हो आप। इसको आप एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट से वहाँ से डाउनलोड करने हैं या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। और काउंसलिंग करने से पहले आप इसको देख लेना एक बार कि आप कहाँ कहाँ पर यानी कि सीट वैकेंट है, तो आप देख सकते हो कि कितनी सीट वैकेंट है। तो पूरी की पूरी डीम्ड यूनिवर्सिटी है और ये बीडीएस के लिए यहाँ से ये सीट्स वैकेंट है, इनको आप देख लेना। ओके गाइस, नीचे चलते हैं। तो यहाँ पर भी यानी कि पूरी की पूरी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, मैनेजमेंट पेड एंड सीट, इसके लिए बीडीएस जनरल कैटेगरी का 28, 60, 54, 27, 21, 52, 42, तो ये सीट वैकेंट है यहाँ से। तो यहाँ से आप देखते हैं कि यहाँ पर डीम्ड यूनिवर्सिटी है, इसमें एमबीबीएस सीट के लिए, तो एमबीबीएस सीट के लिए यहाँ से जनरल कैटेगरी के 35 हैं, यहाँ से 36 हैं, इस कॉलेज में 5 सीट खाली है, अमृता इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस कोची में। ओके गाइस, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो ये पूरी की पूरी डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड यहाँ से जो कोटा है वो है मैनेजमेंट एंड पेड सीट। यहाँ से देख सकते हो एमबीबीएस के यहाँ से 37 सीट खाली है, 5, 8, 10, 37, 42। ओके गाइस, तो ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर कोटा है मैनेजमेंट एंड पेड सीट। ओके गाइस, तो यहाँ से देख लेना आप ये 29, 12, 8, 14, तो इतनी सारी वैकेंट सीट है। इसको आप एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
PDF का लिंक दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड करके एक बार इसको देख लेना। ओके गाइस, तो यहाँ पर भी एक पूरी की पूरी डिम्ड यूनिवर्सिटी है और ये MBBS के लिए 5, 7, 16, 8, 14, 9, तो ये इतनी सीट खाली है। ओके गाइस, तो ये कॉलेज है राजा राजेश्वरी मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु। इसमें एक डिम्ड यूनिवर्सिटी है, उसमें जनरल कैटेगरी के लिए 109 सीट खाली, तो इसमें बहुत ज़्यादा सीट खाली है। ओके गाइस, नीचे चलते, यहाँ पर भी डिम्ड यूनिवर्सिटी के लिए, यानी कि डिम्ड यूनिवर्सिटी के लिए ही है और कोटा वही है। तो यहाँ से 5, 24, 9, 16, 7, 46, तो जो डिम्ड यूनिवर्सिटी है उसमें MBBS के लिए बहुत सारी सीटें वैकेंट है। ओके गाइस, तो यहाँ से देख सकते हो आप डिम्ड यूनिवर्सिटी में। ओके गाइस, तो यहाँ से ये थोड़ा सा कोटा चेंज हुआ है डिम्ड यूनिवर्सिटी में, यानी कि मुस्लिम माइनॉरिटी, तो उसके लिए BDS में जनरल कैटेगरी के एक सीट के, MBBS के लिए जनरल कैटेगरी में 1 सीट मतलब खाली, मुस्लिम माइनॉरिटी में दिल्ली वाले में MBBS के लिए जनरल PWD की एक सीट खाली है। एंड NRI सीट की बात कर लें यहाँ पर, तो NRI सीट ये BDS की डीम्ड यूनिवर्सिटी में NRI सीट के लिए कोटे के लिए, यानी कि यहाँ से देख सकते हो BDS की कितनी सीट खाली है। ओके गाइस, तो यहाँ से इस PDF को डाउनलोड करके आप देख लेना एक बार चॉइस फिल करने से पहले। और NRI कोटा के लिए ये, यानी कि देख सकते हैं MBBS की सीट कितनी खाली कितनी है, ये देख सकते हो यहाँ से आप। ओके गाइस, नीचे चलते, नीचे क्या है, यहाँ पर भी है डिम्ड यूनिवर्सिटी, मतलब जो डिम्ड यूनिवर्सिटी है उसमें MBBS एंड BDS के लिए बहुत ज़्यादा वैकेंट सीट है। ओके गाइस, ये डिम्ड यूनिवर्सिटी यहाँ से आते हैं, यानी कि दिल्ली स्टेट DU IPU VMMC RML, इसमें CW कोटे से मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस न्यू दिल्ली में BDS के लिए OBC कैटेगरी में एक सीट खाली है। ओके, मौलाना आजाद में MBBS में ST की एक सीट खाली है और यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली इसमें MBBS में ST के लिए एक सीट खाली है। ओके गाइस, यहाँ से देख सकते हो, और CWD कोटे में, यानी कि VMC में MBBS ST कैटेगरी के लिए एक सीट खाली है। ओके गाइस, मौलाना आजाद यानी इसमें DU इंटरनल कोटे से, यानी कि BDS के लिए जो है वो 2 सीट खाली है, और यहाँ से इसी में जनरल कैटेगरी के लिए 6 सीट खाली है। ओके गाइस, तो यहाँ से आप देख लेना कि कितनी कितनी सीट जो है वो वैकेंट है। तो ये गाइस देख सकते हो मौलाना आजाद है, मौलाना आजाद कॉलेज है और इसमें यानी कि BDS के लिए इतनी सारी सीट वैकेंट है। ओके गाइस, तो ये DU इंटरनल लेडी हार्डिन मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, इसमें MBBS EW PWD इसमें MBBS के लिए एक सीट खाली है, इसी में जनरल कैटेगरी के लिए एक सीट खाली है। और यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली इसमें MBBS के लिए DU इंटरनल कोटे से, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए, यानी कि 3 सीट खाली है। एंड MBBS OBC कैटेगरी के लिए इसमें 2, लेडी आर्डिन मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली में। ओके गाइस, तो यहाँ से देख लेना कौन कौन से कॉलेज में कितनी सीट जो हैं वो वैकेंट रहेगी। तो इस सीट मैट्रिक्स को आप डाउनलोड कर लेना MCC की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है वहाँ से। यहाँ से IPU यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, तो IPU यूनिवर्सिटी में यहाँ से MBBS के लिए SCPW की एक सीट खाली है और अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली में MBBS STPW के लिए एक सीट खाली है। ओके गाइस, तो बहुत कम सीट खाली। ESI सीट इसमें देख सकते हो, BDS MBBS इसके लिए कितनी सीट खाली है उसको देख सकते हो। तो गाइस, इसको आप डाउनलोड कर लेना और चॉइस फिल करने से पहले एक बार इसको सीट मैट्रिक्स को ज़रूर देख लेना। ओके गाइस, नीचे चलते, ये जिपमर में, तो जिपमर में ये MBBS जनरल कैटेगरी के लिए 2 सीट खाली है, यहाँ से जनरल PWD एक सीट खाली है। एंड यहाँ से देख सकते हो MBBS OBC कैटेगरी के लिए एक सीट, MBBS ST कैटेगरी के लिए 1 सीट खाली है। ओके गाइस, तो यहाँ से देख सकते हो एम्स में भी इतनी सारी सीटें वैकेंट है, एक दो ज़्यादा इनमें सीट वैकेंट नहीं है। तो ओके गाइस, तो इसको आप डाउनलोड कर लेना सीट मैट्रिक्स को और देख लेना कितनी सीट खाली है। ओके गाइस, तो ये थी, और तो टोटल जो सीट मतलब वैकेंट है वो है 3,675, तो इतनी सीट जो है वो वैकेंट रहेगी मॉपअप राउंड के लिए। ओके गाइस, इसमें BDS MBBS सीट है, दोनों सीट आ गई। तो गाइस, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक
और एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ओके गाइस, जो नेक्स्ट वीडियो है हम मॉपअप राउंड के रजिस्ट्रेशन के लिए बना देंगे, क्योंकि मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन में बिल्कुल भी मिस्टेक ना करना, क्योंकि अगर मिस्टेक करोगे तो सिक्योरिटी मनी आपकी रिफंड नहीं होगी। तो गाइस, नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें। तो गाइस, थैंक यू एंड गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।